जौनपुर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की उपस्थिति में रामपुर विकास खंड के भोड़ा सहदेव इंटर कॉलेज में खुली चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के कई गांव से लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे थे। लोगों ने बारी बारी कर अपनी समस्या प्रार्थना पत्र के जरिए जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचाया, तो वहीं डीएम साहब भी फरियादियों की शिकायत पर विभागीय अधिकारियों को मामले को जल्द से जल्द निस्तारण करने को आदेशित भी किए। इस दौरान जौनपुर जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने फास्ट न्यूज भारत से बातचीत के दौरान बताया कि आज हम लोगों ने इस गांव में खुली चौपाल का आयोजन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही वह जमीनी स्तर पर लाभार्थियों को मिल पा रही हैं कि नहीं, या कोई बिचौलिया या कोई दलाल तो सक्रिय नहीं है। अगर जिन्हें नहीं मिल पा रही उनका नाम सूची में जोड़ा जाए और बिचौलियों को और दलालों पर भी नकेल कसने की बात डीएम साहब ने कही। देखिए फास्ट न्यूज भारत के लिए जौनपुर से यह पूरी रिपोर्ट। क्या था और कितना प्रार्थना पत्र पड़ा, क्या क्या शिकायतें आई? आज इस ग्राम पंचायत में हम लोगों ने खुली चौपाल का आयोजन किया था, जैसा आपने देखा है जी सर। हमारे बहुत सारे विभाग की योजनाओं का भी एक तो उद्देश्य था कि योजनाओं का प्रचार प्रसार हो जी, और जो लोग इन योजनाओं से वंचित रह गए हैं उनको हम लोग योजनाओं में शामिल करें। इसके अलावा जो योजनाएं हमारी संचालित हो रही हैं जमीनी स्तर पर कितनी क्रियान्वित हो रही हैं, उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, पात्रों को लाभ मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, कोई बिचौलिया दलाल तो सक्रिय नहीं है, इस तरह की शिकायतों के भौतिक सत्यापन के लिए हम लोग आज चौपाल लगाए थे। और बहुत सारे विभागों की विभिन्न शिकायतें आईं, जिनमें भूमि विवाद भी था, बिजली विभाग की भी बहुत सारी शिकायतें आईं, स्वास्थ्य की थी, ग्राम पंचायत की शिकायत आई, तो जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका हम लोग भौतिक सत्यापन भी कराएंगे, और अगर वाकई में यहाँ पर गड़बड़ी हुई है तो उसमें हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन इस चौपाल का एक अच्छी बात ये रही कि पीएम किसान के बहुत सारे लाभार्थी आज पंजीकृत हुए, 40 से ज़्यादा लाभार्थियों का आज पंजीकरण किया गया। बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनका कि राशन कार्ड आज बनाया गया है, बहुत सारे परिवारों का यूनिट छूट गया था उस यूनिट को जोड़ा गया है, हेल्थ कैंप हम लोगों ने लगाया था यहाँ पे। इस गांव में तो आयुष्मान कार्ड उतने नहीं है, लेकिन अगल बगल के गांव के आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों के कार्ड भी बने हैं, तो उस हिसाब से ये चौपाल बहुत ही अच्छा रहा, जिससे कि योजनाओं का भौतिक सत्यापन और इसके साथ साथ जो समस्याएँ आ रही हैं उसका भी हम लोगों को अंदाजा लगा। पंचायती राज द्वारा आज अधिसूचना जारी किया गया है, आप पूर्व प्रधानों के लिए और नागरिकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए चुनाव आयोग, माननीय चुनाव आयोग द्वारा अब हम लोग को चुनाव की तैयारियों के निर्देश दिए जा चुके हैं, और उस क्रम में सारी तैयारियां हम लोगों ने पूरी भी कर ली हैं। जो जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो मतदाता सूची तैयार करना हो, चाहे शांति व्यवस्था के हिसाब से पूरे ज़िले को जोन सेक्टर में बांट के संवेदनशील जो गांव हैं उनका चिन्हीकरण करना हो, या फिर और व्यवस्थाएँ करनी हो, तो सारी व्यवस्थाएँ हम लोगों ने कर ली हैं, और जल्दी ही जैसे ही माननीय चुनाव आयोग की घोषणा होगी हम लोग पूरी तरह से इसको और भी व्यवस्थित कर लेंगे।